के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। इसी बात को आचार्य श्री ने अध्यात्म गुरु आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, एगो में सास सदो आदा, एगो में सास सदो आदा, नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखड़ा। एगो में सास सदो आदा, मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं। आप लोग हर रोज पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करने वाले ये भी जानते हैं कि एकमात्र मेरी शाश्वत आत्मा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमने पाया है, सबसे पहले किसको पाया? शरीर को पाया। जन्म लेते ही हमें शरीर मिल जाता है, मिलता है बोलो। आज तक किसी का बिना शरीर के जन्म हुआ क्या? हाँ हुआ है। शरीर के अभाव में यह शरीर, आत्मा के अभाव में यह शरीर मुर्दा बन जाता है। आत्मा के अभाव में यह शरीर मुर्दा बन जाता है, और शरीर के अभाव में आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत क्या कहलाता है? भूत। समझ में बात आई? आत्मा के अभाव में शरीर को क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। जब इस शरीर से आत्म तत्व निकल जाता है, तो तुम लोग क्या करते हो? इसको जल्दी जल्दी उठाओ, मिट्टी हो गई है, अभी काम का नहीं है। आत्मा के अभाव में शरीर मुर्दा बन जाता है, मिट्टी हो जाती है। संत कहते हैं शरीर के अभाव में आत्मा प्रेत हो जाती है, क्योंकि उस आत्मा के साथ अभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, कर्म जुड़े हुए हैं, जिस कारण से संसार में ये आत्मा बिना शरीर के भटक रही, यानी भूत बन करके, प्रेत बन करके भटकती है। तो मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं। कब है ये शाश्वत आत्मा? जब इस आत्मा के साथ कर्म ना जुड़े हुए, कर्मों का क्षय हो जाता है, कर्मों की निर्जरा हो जाती, तो यही आत्मा शाश्वत आत्म तत्व ज्ञायक स्वरूप रूप में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव ज्ञान है, दर्शन है। मैं ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मेरा स्वभाव जानना और देखना है। मुझसे भिन्न बाह्य जितने भी पदार्थ हैं, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। नान दंसन लखनऊ, जितने भी बाहर के संयोग पदार्थ हैं, सब क्या है? संयोग लक्षण वाले हैं। आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर छूट जाता है, यहीं पर पड़ा रहता है, और 10 लोग मिलकर के, समाज और परिवार मिलकर के इसको अंतिम संस्कार दे देते हैं, और ये तुम्हारा शरीर मिट्टी में, तुम्हारा शरीर राख में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा रूप कितना सुंदर था, तुम्हारा शरीर कितना सुंदर था, तुम्हारा ज्ञान कितना अच्छा था, तुम्हारे पास शक्ति थी, तुम्हारे पास ऐश्वर्य था, तुम्हारे पास वैभव था, सब कुछ तुम्हारे पास था, लेकिन शरीर छूटते ही तुम्हारे शरीर की परिणति राख में बदल जाती है। आपसे यदि कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या परिचय है, तुम कौन हो, तो तुम कहोगे मैं एक शरीर हूं। फिर तुमसे और पूछेंगे, तुम कहोगे मेरा नाम है, मेरा रूप है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये ना कहोगे तुम, मैं जॉब वाला हूं, मैं बिजनेस वाला हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अधिकारी हूं। यही ना परिचय दोगे तुम। ये कब से? जब से तुम्हें शरीर मिला है तब से। पर संत कहते तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है, तुम एक आत्म तत्व हो, इसकी पहचान मुझे होना चाहिए। जानो तुम कौन हो,
यह देख रहा है वह तुम हो, या तुम्हें जो देख रहा है कि तुम वो हो। अभी तक तो हम लोग यही समझते चले आए हैं कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, वही मैं हूं, मुझे जो दिख रहा है वही मैं हूं। पर संत कहते हैं तुम्हें जो दिख रहा है वह तुम नहीं हो, जो तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है वह तुम हो। दिख रहा वह तुम नहीं हो, पर कौन हो तुम? जो देखने वाला है। देखने वाला कौन है? हमारी आत्मा की हमारी आंखें? बोलो कौन है देखने वाला? आत्मा है हमारी देखने वाली। हमारी देखने वाली आंखें नहीं है। आंखें तो एक मुर्दे में भी होती हैं, पर उसकी आंखों को देखना चाहिए, देख पाती हैं क्या? नहीं। उसकी आत्मशक्ति समाप्त हो जाती, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, इसलिए मुर्दे की आंखें देख नहीं पाती हैं। देखने की शक्ति हमारी आत्मा के पास होती है। जब तक आत्म तत्व रहेगा तो वह मुर्दा भी देखने में समर्थ हो पाएगा। इस भीतर के परम तत्व को पहचानो। यह भेद विज्ञान तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब तक तुम यही नहीं जानते कि मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, अपने दुखों का कभी हम अंत नहीं कर पाएंगे। दुखों का अंत करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा को केंद्र बिंदु बनाता है, अपनी आत्मा की पहचान करता है। बाहर के संयोग तुम्हें दुख देने वाले हैं, बाहर के संयोग तुम्हें तुम्हारे जीवन को दुखी करने वाले हैं, लेकिन आत्म तत्व की जो पहचान कर लेता है वही आत्मानुभूति कर पाता है, वही सुखानुभूति उसके जीवन में हो सकती है, और वही व्यक्ति फिर संसार के भ्रम में नहीं उलझता है। संसार का भ्रम तुम्हें संसार में भटकाने वाला है, और जब तुम निर्भ्रांत हो जाओगे तो कभी तुम्हें संसार का दुख दुखी नहीं कर सकता है। जो एकम जान दी सो सबम पी ना जान दी। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं जो एक को जानता है वो सबको पहचान लेता है, जान लेता है। एक वह कौन है? वह है हमारी आत्मा। एक को जानने का मतलब है हम अपनी आत्मा को पहचान लेना, जान लेना, फिर उसे संसार में किसी चीज को, पर पदार्थों को, वस्तु को जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक को भूल करके अनेकों को जानने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, एक को भूल करके संसार के सब संयोगों को अपना मानने में लगे हुए हैं। जो एक को भूल करके सबको जानता है वह एक को कभी नहीं पहचान पाएगा। एक को जानो, एक को पहचानो। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता था और ऐसे महल में घुस गया जो महल कांच का था। किसका था? कांच का था। उस कांच के महल में वो कुत्ता अकेला चला गया और गेट ऑटोमेटिक था, बंद हो गया। कांच की छत थी, कांच की दीवारें थी, कांच के दरवाजे थे, कांच की खिड़कियां थी, कांच का फर्श था, कांच के पिलर थे, सब कांच कांच कांच, सिर्फ कांच ही था। जहां पर भी वह कुत्ता देखता था उसे अनेक कुत्ते दिखाई देते थे। उसने सोचा कि एक मैं अकेला हूं और इतने हजारों कुत्ते मेरे सामने। घबरा गया। कहता है, कहावत है, बामन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ। कुत्ता यदि कुत्ते को देखेगा तो भौंकना शुरू करेगा। इस गली से यदि कोई दूसरी गली वाला कुत्ता निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता है। चार कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, भौंकना शुरू कर देंगे, उसको खींचना शुरू करेंगे, उसको काटना शुरू करेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, उसको कान पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वह कुत्ता ऐसे महल में घुस गया जो महल कांच का था, पूरा कांच कांच उसमें लगे हुए थे। जहां जहां वह देखता था उसको हजारों कुत्ते दिखाई देते थे, सैकड़ों कुत्ते उसको दिखाई दे। उसने भौंकना शुरू किया
तो हजारों कुत्ते वहां से भौंकना शुरू कर दिए। वो कुत्ते को मारे तो कुत्ते ऐसा लगता कि वो हमें मार रहा है। सुबह से शाम हो गई, पूरी रात हो गई, भौंकता रहा, छत विच्छित होकर के लहू लुहान होकर के वह कुत्ता वहीं पर मर गया। कहते हैं सुबह जब उस कक्ष को खोला गया तो वह कुत्ता वहीं छत विच्छित होगा, लहू लुहान हो गया। सवाल है कि उस कुत्ते को किसने मारा? उसके लिए उसके भ्रम ने मारा, और कोई वहां पर दूसरा कुत्ता नहीं था। काश उसको ये पता होता कि ये कांच है और इस कुत्ते में मेरा, इस कांच में मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंब झलक रहा है। यदि इस भ्रम से वह ऊपर उठा होता तो वह अपने आप को बचा लेता। उसे पता होता, यही तो मनुष्य की दशा है। मनुष्य क्या करता है, भ्रम में जीता है। उसे बाहर के संयोग अपने संयोग समझ में आते हैं। ये परिवार मेरा है, ये परिजन मेरे हैं, शक्ति मेरी है, शरीर मेरा है, संपदा मेरी है, वैभव मेरा है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, और पूरी जिंदगी उसी के संयोग लक्षणों में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देता है। उसके संरक्षण में, उसके रख रखाव में, और उसी में उलझ करके व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो एक को जानो मैं कौन हूं, अगर एक बार उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि जाग जाए तो जीवन हमारा धन हो सकता है। 1301 सो सुख अनेक में दुख ही दुख। अनेक को समझो और उसने उससे बचने का पुरुषार्थ करो। ठीक है परिवार हमने बसाया, बसाना तुम्हारा धर्म था, दायित्व था, कर्तव्य था। कब तक? एक सीमा तक परिवार की जिम्मेदारियों को समझो, उससे मुक्त होकर के अपने आत्मा के पुरुषार्थ में लगना चाहिए। जब आप किसी के यहाँ सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारी 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र तक तुम्हें रखते हैं कि अब तुम काम के लायक तो हैं, पर तुम्हारी शक्ति को देखते हुए तुमसे काम नहीं लिया जा सकता है, इसलिए तुम्हें अब रिटायर कर दिया। यानी तुम अब शांति से बैठ कर के अपना धर्म ध्यान करो, और इस धर्म ध्यान करने के लिए तुम्हें वेतन भी देती है, पेंशन के रूप में टेंशन नहीं लेना, किसी के तरफ तुम्हें हाथ नहीं फैलाना। यदि मैंने तुमसे 40 वर्ष सेवा ली है तो मेरा कंपनी का, गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है कि तुम्हारी अंतिम श्वासों तक तुम्हारा सहयोग करें। क्या हम घर गृहस्थी में रहकर के 60-70 साल तक जो सेवा तुमने परिवार के साथ की है, व्यापार किया, मेहनत किया, तो 60-65 साल की उम्र के बाद क्या तुम अपने परिवार और अपने व्यापार से क्या हम मुक्त नहीं हो सकते हैं? या तो गवर्नमेंट या सरकार कुछ नहीं जानती होगी जो तुम्हें पैसे भी देती है और तुम्हें रिटायर भी कर देती है, या तो वो नहीं जानती है, या फिर तुम्हारे परिवार या तुम्हारी बुद्धि नहीं जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें अपने आप को इन सब से बचा करके आत्म तत्व की ओर ध्यान रखना चाहिए। उस आत्म तत्व को पहचानो। जो एक को जानता है वो सबको नहीं जानता, जो एक को नहीं जानता वो सबको जानता है, जो एक को जानता वो सबको नहीं जानता है। एक राजा था, अचानक उसके लिए बुखार आ गया, ज्वर आ गया, ज्वर आया, बुखार आया राजा के लिए।
तो उस राज्य में एक ऐसे वैद्य को बुलाया गया। उस वैद्य ने कहा, राजा का जोर तो उतर सकता है, पर इसके लिए मलयागिर चंदन घिस करके लगाओगे तो उतर सकता है। बीमार हुआ था, बीमार होने के बाद उसका बुखार तो चला गया, पर शरीर में दाह रह गई। इस दाह को शांत कैसे करें? तो वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि इसकी इनकी दाह भी जा सकती है, पर इन्हें मलयागिर चंदन घिस करके लगाएंगे तो इनकी दाह भी ठीक हो सकती है। राजा की बहुत सारी रानियां थी। पहले के राजा महाराजा होते थे, एक को नहीं पालते थे, सैकड़ों को पाल सकते थे। हमारे शास्त्रों में आते 96,000 रानियां थी। तो वैद्य ने कहा कि ये मलयागिर चंदन है, यदि इसको घिस करके लगाओगे तो इनकी दाह ठीक हो सकती है। रानियों को चंदन दिया गया, अनेक रानियां थी, उन्होंने घिसना शुरू किया। चंदन घिसा जा रहा था, घिसते समय हाथों की चूड़ियों की खनकार बहुत जोर से आवाज कर रही थी। जैसे जैसे चंदन घिसा जा रहा था, चूड़ियों की खनकार आवाज कर रही थी। राजा को लगा कि ये आवाज किसकी आ रही है, ये चूड़ियों की खनकार की आवाज क्यों आ रही है? तो अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे लिए चंदन घिसा जा रहा है, इसलिए चूड़ियों की आवाज आ रही है, क्योंकि आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, सुहा नहीं रही है। ठीक है, आवाज को बंद कर देते हैं। सारी की सारी रानियों ने सब अपनी अपनी चूड़ियों को उतार दिया, मात्र एक एक चूड़ी सुहाग के प्रतीक में अपने हाथ में रखी। आजकल की बहनें और अन्य लोग तो चूड़ियां पसंद ही नहीं करते पहनना, जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारे लौकिक व्यवहार में सुहाग का प्रतीक कांच की चूड़ी को कहा गया है। उन सारी रानियों ने अपने अपने हाथों से चूड़ियों को उतार दिया, मात्र एक एक चूड़ी हाथ में रखी, क्योंकि वह सुहाग का प्रतीक था, राजा था, राजा की वो रानियां थी। जब आवाज बंद हो गई तो राजा ने पुनः पूछा कि क्यों चंदन घिसना बंद कर दिया? बोले, नहीं, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है। तो फिर आवाज क्यों बंद हो गई? बोले, आवाज इसलिए बंद हो गई कि सारी रानियों ने सारी चूड़ियों को उतार दिया, मात्र एक एक चूड़ी हाथ में रखी है। जब सुना कि एक एक चूड़ी हाथ में रखी और आवाज नहीं आ रही है, तो राजा को समझ में आ गया कि जहां पर अनेक होते हैं वहां पर आवाज आती है, अशांति होती है, दुख होता है, और जहां पर एक होता है वहां पर शांति होती है, अशांति नहीं होती है, और जहां पर एक होता है वहां पर सुख होता है। अब क्या था, राजा ने कहा, जहां अनेक है वहां पर शोर है, और जहां एक है वहां पर शांति है। राजा ने मन ही मन संकल्प लिया कि सुबह सूर्य की प्रथम किरण होते ही मैं घर परिवार को छोड़कर के सन्यास को धारण कर लूंगा। सुबह होते ही जुर की भांति राजा का जुर उतर गया, और दाह अंदर की दाह भी धीरे धीरे शांत हो गई। सुबह हुआ, संकल्प के मुताबिक राजा ने दीक्षा को धारण किया और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।